एक समय की बात है, राजा हिरणा को उसके बड़ा भारी अभिमान हो जाता है कि मेरे सामने भगवान कुछ भी नहीं है, भगवान से भी बड़ा मैं हूं। अपनी सारी रियासत की प्रजा में ये ऐलान करा दिया कि भगवान का नाम कोई नहीं लेगा, सब मेरा ही नाम लोगे। राम के नाम को छोड़कर के प्रजा हिरणाकुश का नाम ही रटने लगी। एक रोज हिरणाकुश का बेटा प्रहलाद पाठशाला में पढ़ने जा रहा था, रास्ते में एक कुंवारी राम राम रट रही थी। राम शब्द को सुनकर के प्रहलाद कुमारी के पास माता है, कहने लगा, रे पगली, तू राम के नाम को रटने वाली, मेरे पिता को मालूम पड़ेगा, तेरे को जान से मरवा देगा। तो प्रहलाद कुमारी से कहने लगा, अरे तोड़ दिया कानून राज का, नेम धर्म से हटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, रे राम राम क्यों रटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम नाम क्यों रटने लगी, तोड़ दिया कानून राज का, नेम धर्म से हटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम राम क्यों रटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम राम क्यों रटने लगी, वो तोड़ दिया कानून राज का, नेम धर्म से हटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम राम क्यों रटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम राम क्यों रटने लगी, राम राम क्यों रटन लगी, रे राम नाम क्यों रटन लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम राम क्यों रटन लगी, हाँ नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम राम क्यों रटन लगी, मेरे पिता ने पता चले तो भारी रगड़ा हो जाएगा, सब रैयत पर हुक्म चले तेरे जीने झगड़ा हो जागा, सब रैयत पर हुक्म चल रे तेरे जीने झगड़ा हो जागा, सजा लिए बिन बुरे काम की नारी कैसे हटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम राम क्यों रटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम नाम क्यों रटने लगी, वो तोड़ दिया कानून राज का, नेम धर्म से हटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम नाम क्यों रटने, राम राम क्यों रटने लगी, रे राम राम क्यों रटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम राम क्यों रटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम राम क्यों रटने लगी, सारी जनता हुक्म मानती मेरा पिता एक राजा है, बता कुमारी तेरा राम से कितना मेल मुलाजा है, बता कुमारी तेरे नाम से, बदमाशी की सजा लिए बिन नारी कैसे छटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम राम क्यों रटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम राम क्यों रटने लगी, वो तोड़ दिया कानून राज का, नेम धर्म से हटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम राम क्यों, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम राम क्यों रटने लगी, राम राम क्यों रटने लगी, रे राम नाम क्यों रटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, रे राम राम क्यों रटने लगी, नाम छोड़ दिया मेरे बाप का, राम राम क्यों रटने लगी, मेरे पिता के आगे पगली तेरे राम की गिनती ना, हिरणाकुश का नाम रटे तो, हिरणाकुश का नाम रटे सब तू के काना सुनती ना, हिरणाकुश का नाम रटे सब तू के काना सुनती ना, ऐसी के तेरे खटलक
ऐसी के तेरे खटक लगी जो धर्म कर्म पर डटन लगी। नाम छोड़ दिया मेरे बाप कर राम राम क्यों रटने लगी। नाम छोड़ दिया मेरे बाप का राम राम क्यों रटने लगी। ओ तोड़ दिया कानून राज का नेम धर्म से हटने लगी। नाम छोड़ दिया मेरे बाप का राम राम क्यों रटने लगी। नाम छोड़ दिया मेरे बाप का राम राम क्यों रटने लगी। राम राम क्यों रटने लगी रे राम राम क्यों रटने लगी। नाम छोड़ दिया मेरे बाप का राम राम क्यों रटने लगी। नाम छोड़ दिया मेरे बाप का राम राम क्यों रटने लगी। राम राम को रटने वाली औरतन के काम नहीं। मेरे पिता का दिया हुआ सुनातन पैगाम नहीं। मेरे पिता का दिया हुआ के सुनातन पैगाम नहीं। लक्ष्मी चंद के छुरी हाथ ले अपने हाथा कटन लगी। नाम छोड़ दिया मेरे बाप कर राम राम क्यों रटने लगी। नाम छोड़ दिया मेरे बाप का राम राम क्यों रटने लगी। वो तोड़ दिया कानून राज का नेम धर्म से हटने लगी। नाम छोड़ दिया मेरे बाप का राम राम क्यों रटने। ओ नाम छोड़ दिया मेरे बाप का राम राम क्यों रटने लगी। प्रहलाद को कुमारी हाथ जोड़ करके कहने लगी, कमर साहब बात हकीकत मैं कहूं जितनी मेरे याद। हाथ जोड़ कर अरज करूं सुनो कमर प्रहलाद। कुमारी हाथ जोड़ करके प्रहलाद से कहने लगी, कुमारी बैठी बैठी अवा पका रही थी तो कहने लगी, मैंने जब अवा तैयार किया था तो भूल से एक बिल्ली के चार बच्चे एक घड़े के अंदर रह गए और मैंने अवा की अग्नि लगा दी। इसलिए मैं भगवान से अरदास कर रही हूं कि इनकी रक्षा करना, अगर वो पांचों प्राणी जलकर मर गए तो मुझे बहुत भारी पाप लगेगा। प्रहलाद कहने लगा, बात तेरी मन सुन लेनी जो तेरे मन की खास। बिल्ली के बच्चे बच गए तो हो पूर्ण विश्वास। यानी सजनों, इतना कहकर के प्रहलाद वहीं पर रुक जाता है। जब शाम तक अवा पकड़ के तैयार हो जाता है, जिस घड़े के अंदर बिल्ली के बच्चे थे वो घड़ा ही कच्चा रह जाता है। जब बिल्ली के बच्चे जिंदे निकलते हैं तो प्रहलाद को उसी भक्त ईश्वरीय ज्ञान हो जाता है। सजनों, दूसरे दिन प्रहलाद स्कूल में गया तो अपनी तख्ती पर राम ही राम लिखना शुरू कर दिया। क्लास के लड़कों ने गुरुजी को शिकायत करी कि गुरुजी प्रहलाद कुछ पढ़ता है नहीं और राम ही राम का नाम अपनी तख्ती पर लिखता है। गुरुजी बड़ा ताजुब करके प्रहलाद के पास में आते हैं और समझाने लगे, रे पागल, तेरे बाप को राम के नाम से नफरत है और तू उससे प्रेम करता है। अगर तेरे पिता को मालूम पड़ेगा तेरे को जान से मरवा देगा। गुरुजी कहने लगे, हिरणा कुछ का लाल होकर करे बात की हार। शरमाने की बात है करे राम का प्रचार। इस प्रकार गुरुजी प्रहलाद को समझाते हैं। कहने लगे, अरे राम नाम ने सुमर के अपनी बाप की कदर घटाने वाला। इज्जत का तन ख्याल नहीं तू बाप का नाम मिटाने वाला। इज्जत का तन ख्याल नहीं तू बाप का नाम मिटाने वाला। राम नाम ने सुमर के अपने
बाप की कदर घटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला। ओ भी बाप का नाम मिटाने वाला, बाप का नाम मिटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला, तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटान। तेरे बाप ने हुक्म दिया था प्रजा सारी में, उसके हुक्म को सब कोई माने दुनिया सारी में, उसके हुक्म को सब कोई माने दुनिया सारी में, अपने हाथ कटारी लेकर खुद की नाड़ कटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला। ओ राम नाम ने सुमर के अपने बाप की कदर घटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला। ओ दी बाप का नाम मिटाने वाला, बाप का नाम मिटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटान। तेरे पिता की बात कटे के तुझको बेरा कोना, हिरणा कुछ का नाम छुड़ावे यो हक तेरा कोना, हिरणा कुछ का नाम छुड़ावे यो हक तेरा कोना, ऊपर से क्यों नीचे पटके घर का भेद बताने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला। ओ राम नाम ने सुमर के अपने बाप की कदर घटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला। ओ जी इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटान। हिरणा कुछ का नाम रटा कर मेरा और सवाल नहीं, राम नाम को छोड़ दे पगले अच्छी ठीक मिसाल नहीं, राम नाम को छोड़ दे पगले अच्छी ठीक मिसाल नहीं, लक्ष्मी चंद के बाप का संकट ज्यादा और बढ़ाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला। ओ राम नाम ने सुमर के अपने बाप की कदर घटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला। ओ दी बाप का नाम मिटाने वाला, बाप का नाम मिटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने वाला, इज्जत का तन ख्याल नहीं तू, बाप का नाम मिटाने। सजनों गुरुजी प्रहलाद को समझाते हैं, लेकिन प्रहलाद अपनी जिद को नहीं छोड़ता है और राम ही राम की रटना लगा लेता है। अब गुरुजी परेशान होकर के हिरणा को उसके पास शिकायत लेकर जाते हैं, कहने लगे कि महाराज आपका बेटा प्रहलाद पाठशाला में पढ़ता तो है नहीं,
और अपनी तख्ती पर राम ही राम शब्द लिखता है, फिर मुझे दोष मत देना, इसलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ। सजनों, हिरणाकुश अपने बेटे प्रहलाद को बुलाता है। हिरणाकुश ने सुन ली तो सच्चे मन की, हिरणाकुश ने सुन ली तो मन में मता उपाय, समझावन के वास्ते तो लीना पुत्र बुलाए। हिरणाकुश अपने बेटे प्रहलाद को समझाने के लिए बुलाता है और कहने लगे, बेटे मेरे को राम के नाम से नफरत है और तू उसके नाम से प्रेम करता है, ये बात चलने वाली नहीं है। तो कहने लग हिरणाकुश अपने बेटे प्रहलाद को समझाता है, अरे मेरे हुक्म को तू ना माने, दोनों भगता राम रटे, दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छटे। मेरे हुक्म को तू ना माने, दोनों भगता राम रटे, दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छटे। हुक्म को तू ना माने, दोनों भगता राम रटे, दुश्मन की तू पूजा करके सबसे न्यारा अलग छटे, सबसे न्यारा अलग छटे रे जी, सबसे न्यारा अलग छटे तू, सबसे न्यारा अलग छटे, दुश्मन की तू पूजा करके सबसे न्यारा अलग छटे। तेरे हुक्म को तू ना माने, भगता राम रटे, दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छटे। मेरी भुजा में इतनी ताकत आकर कौन भिड़े सामी, योद्धाओं का योद्धा सूं मुझ में कोई नहीं खामी, योद्धाओं का योद्धा सूं मुझ में कोई नहीं खामी, सूरवीर का यही कायदा रण में पीछे नहीं हटे, दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छटे। तू ना माने, दोनों भगता राम रटे, दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छटे, वो दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छटे, सबसे नारा अलग छटे रे, सबसे नारा अलग छटे, दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छटे। मेरे हुक्म को तू ना माने, दोनों भगता राम रटे, दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छटे। उल्टी सीधी बात करे तू, उल्टी सीधी बात करे तू, बहुत गड़ा पछतावेगा, बेटा होकर नहीं मानता बाप का बटा लावेगा, हाँ बेटा होकर नहीं मानता बाप का बटा लावेगा, जिस दिन खाल उतारी जागी उस दिन बेरा तुझे पटे, दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छटे। मेरे हुक्म को तू ना माने, दोनों भगता राम रटे, दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छटे। मेरे हुक्म को तू ना माने, दोनों भगता राम रटे, दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छटे।
उससे बैर पुराना, उसके संग तू प्यार करे। खानदान की इज्जत का मन में नहीं विचार करे, ओ खानदान की इज्जत का मन में नहीं विचार करे। ऐसा क्या तुझे नफा मिलेगा बाप, ऐसे क्या तुझे नफा मिलेगा तेरे बाप का मान गठे। दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छठे, दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छठे। मेरे हुक्म को तू ना माने दोनों भगता राम रटे, दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छठे। दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छठे। मेरा कहना इस दुनिया में सब नर नारी मान लिया, योद्धाओं का योद्धा सूं जीत मने मैदान लिया, योद्धाओं का योद्धा सूं हिरणाकुश के आगे, हिरणाकुश के आगे बेटे तेरा राम जी नहीं डटे। दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छठे, मेरे हुक्म को तू न माने बोलो भगता राम रटे। दुश्मन की तू पूजा करके सबसे नारा अलग छठे, अलग छठे रे सबसे न्यारा अलग छठे। दुश्मन की तू पूजा करके सबसे न्यारा अलग छठे, मेरे हुक्म को तू न माने दोनों भगता राम रटे। दुश्मन की तू पूजा करके सबसे न्यारा अलग छठे। सजनों हिरणाकुश ने प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद अपनी जिद को नहीं छोड़ता है। तब हिरणाकुश क्रोध में होकर के जल्लादू को आज्ञा देता है कि जाओ जल्लादो इस दुष्ट को जंगल में ले जा करके इस प्रकार की यातनाएं दो जो ये राम का नाम लेना भूल जाए। जल्लाद प्रहलाद को लेकर के चलते हैं। प्रहलाद जल्लादू से कहने लग्या, जी चावे सो जो करो थारा रूप बड़ा विकराल, मनुष्य की सी देही थारी कर्म करो चांडाल। प्रहलाद जल्लादू से कहने लगे, रे जल्लादो भगवान ने आपको मनुष्यों ने दी है, फिर ये चांडाल वाला काम क्यों करते हो। लेकिन सजनों जल्लादू के प्रहलाद की बात का कोई असर नहीं होता है। जल्लादू ने प्रहलाद को जंगल में ले जाकर के बहुत डराया धमकाया, लेकिन प्रहलाद का भी जल्लादू का डर भय का कोई असर नहीं होता है। क्यों? राम के नाम में बहुत बड़ी ताकत होती है। अब सजनों हिरणाकुश प्रहलाद से समझा पुचकार करके दोबारा पढ़ने के लिए पाठशाला में भेज देता है। प्रहलाद स्कूल में जाकर के सब लड़कों को इकट्ठा करके सबको राम नाम का सबक सिखाता है। कहने लगाया, बालक बल की उम्र में होना चाहिए ज्ञान, हिरणाकुश का नाम छोड़कर रटा करो भगवान। प्रहलाद की ज्ञान भरी बात सुन करके सारे स्कूल के लड़के कहने लगे, मान गए तेरी बात को हम कर लीनी मंजूर, जैसी भावना आपकी हम नहीं तेरे से दूर। यानी सजनों स्कूल के सारे लड़के प्रहलाद के साथी बन जाते हैं और कहने लगे, अरे हम सब मिलकर राम रटेंगे, नहीं तेरे से अलग हटेंगे, रे बेशक चाहे सिर कट जा, ओ बेशक चाहे सिर कट जा, हम सब मिलकर राम रटेंगे, नहीं तेरे से अलग हटेंगे, रे बेशक चाहे सिर कट जा, ओ बेशक चाहे सिर
सगता ये सिर कट जा, ओ दे सगता है सिर कट जा रे, दे सगता है सिर कट जा, दे सगता ये सिर कट जा रे, दे सगता ये सिर कट जा। हम सब मिलकर राम रटेंगे, नहीं तेरे से अलग हटेंगे रे, दे सगता ये सिर कट जा। राम बदनिया तिर जाते हैं, पापी नर रह जाते हैं, ओ राम बदनिया तिर जाते हैं, पापी नर रह जाते हैं, समय निकल जा धीरे धीरे, फिर पछे पछताते हैं। कायर कर्म करे से गंदा, गले मौत का गल में फंदर, बदी करनिया नर मिट जा, ओ हो बदी करनिया नर मिट जा। हम सब मिलकर राम रटेंगे, नहीं तेरे से अलग हटेंगे रे, बेसगता ये सिर कट जा, ओ हो बेसगता ये सिर कट जा। हम सब मिलके राम रटेंगे, नहीं तेरे से दूर हटेंगे, बेसगता ये सिर कट जा। तेरे संग में रह करके हम राम नाम को गाएंगे, संग में कितना संकट आए बिल्कुल ना घबराएंगे, तेरी मारी एक सलाह है, राम भजो तो अंत भला है रे, आखिर में मेरा बट जा, ओ हो आखिर में मेरा बट जा। हम सब मिलकर राम रटेंगे, नहीं तेरे से अलग हटेंगे रे, बेसगता ये सिर कट जा, राम नाम ना छोड़ेंगे, ओ हिरणा कुछ चाहे कत्ल करा दे, राम नाम नहीं छोड़ेंगे, हिरण तेरे पिता का साथ छोड़ कर राम से नाता जोड़ेंगे, तेरे बाप से नहीं डरेंगे, सारे मिलकर विरोध करेंगे रे, उस पापी का मठ भर जा, ओ हो उस पापी का मठ भर। संग्रह प्रहलाद ने सब लड़कों को अपनी तरफ मिला लिया और बारशाला में हर जगह पर राम का नाम लिखा दिया। सब राम राम रटने लगे, तो इस प्रकार के माहौल को देख करके पाठशाला के मास्टर जी फिर दोबारा प्रणव उसके पास में शिकायत लेकर जाते हैं, कहने लगे अरे राम नाम की जड़ी लगा दी, राज कंवर से तेरा रे, राम नाम की जड़ी लगा दी, राज कंवर से तेरा, अपनी जिद को नहीं छोड़ता, कर दिया घोर अंधेरा, अपनी जिद को नहीं छोड़ता, कर दिया घोर अंधेरा, राम नाम की जड़ी लगा दी, राज कंवर से तेरा, राम नाम की जड़ी लगा दी।
बात को सुनकर के हिरणा कुश
क्रोध में भर करके प्रहलाद को स्कूल से फिर दोबारा बुलाता है। कहने लग गया, अरे दुष्ट, अब देखूंगा तेरे राम को। हिरण्याकश जल्लाद को तुरंत हुक्म देता है कि जल्लादो, इस दुष्ट को ले जाओ और इसके हाथ पैर बांध करके कहीं ऊंचे पर्वत की चोटी से इसको नीचे गुड़ाओ, फिर ये तड़प तड़प करके मरेगा। सजनों, जल्लाद प्रहलाद को पर्वतों में ले जाते हैं और एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर के हाथ पैर बांध करके नीचे गुड़ा देते हैं, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब हिरण्याकश क्रोध का मारा पागल की तरह विकराल होकर अपनी बहन होलिका से मिलता है। कहने लगा, बहन, तेरा शरीर ना पानी में गलता है ना अग्नि में जलता है, मेरे सारे जतन फैल हो गए, इसलिए इस कांटे को तू निकाल सकती है, क्योंकि तेरा शरीर वज्र का है। सुन बहना, मेरी होल क्या रख दिए मेरी जाति, इस कांटे को खत्म करो तेरा वज्र का घात। तो हिरण्याकश अपनी बहन होलिका से कहने लग गया, हे सुन बहन, मेरी माँ जाई जाति लाज बचा ले, आफत तगड़ी आई है। सुन बहन, मेरी माँ जाई जाति लाज बचा ले, आफत तगड़ी आई है। सुन बहन, मेरी माँ जाई लाज बता ले, आपत तगड़ी आई है। मेरी माँ जाई लाज बता ले, आपत तगड़ी आई है, तगड़ी आई है। सुन बहन, मेरी माँ जाई जाती लाज बता ले, आपत तगड़ी। बेदी आग लगावे कौन बुझावण वाला, मेरे यही समझ में आई है, जाति लाज बता ले, आफत तगड़ी आई है। सुन बहन, मेरी बात आई है, जाति लाज बता ले, आफत तगड़ी आई है। आफत तगड़ी आई है।
आफत तगड़ी आई है, बहन मेरी बात आई है, जाति लाज बचा ले, आफत तगड़ी आई करके होली क्या हिरणा कुछ से कहने लगी, भाई साहब क्यों चिंता करते हो, मेरा 10 मिनट का काम है। तुरंत हिरणा कुछ ने एक चिता बना दिया। होली क्या जब प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के चिता में बैठने लगी तो प्रहलाद की माता होलिका अपनी ननद होलिका से कहने लगी, प्रहलाद भगत ने बचाया ननद थारा चरणा की दासी, प्रहलाद भगत ने बचाया ननद थारा चरणा की दासी, प्रहलाद भगत ने बचाया ननद थारा चरणा की दासी, चरणा की दासी है ननद थारा चरणा की दासी, प्रहलाद भगत ने बताया ननद थारा चरणा की
बतला दी अगन में जलबा बैठी दया नहीं आती प्रहलाद भगत ने बताया ननद धारा करना की दासी प्रहलाद भगत ने बताया ननद धारा करना की दासी प्रहलाद भगत ने बताया ननद धारा करना की दासी होल क्या सुन मेरी बावत घर तू ना जाती ओ घर क्यों ना जाती भाई का दुख दूर करूंगिया मेरे मन बाती प्रहलाद भगत ने बचाए ननद धारा करना की दासी प्रहलाद भगत ने ननद धारा रे करना की भगत ने बताए ननद धारा करना की दासी करना की दासी ननद धारा करना की दासी प्रहलाद भगत ने बताए ननद धारा करना की दासी प्रहलाद भगत ने बताए ननद धारा करना की दासी कह प्रहलाद सुन मेरी माता घर क्यों ना जाती ओ घर क्यों ना जाती मेरो तो रखवालो जग में सामरियों साथी प्रहलाद भगत ने बताए ननद धारा करना की दासी प्रहलाद भगत ने ननद धारा रे करना की करुणा भरी वाणी सुनकर के प्रहलाद अपनी माँ को कहने लगा मेरी चिंता छोड़कर भगवान के नाम की रटना लगा दे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सजनों होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर के चिता में बैठ जाती है हिरणाकुश चिता के अग्नि लगा देता है। भगवान की माया बहन होलिका जलकल के राख हो जाती है प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा तो हिरणाकुश क्रोध में विकराल होकर एक खम्भ को अग्नि से गर्म करवाता है। जब खम्भ एकदम लाल हो गया तब हिरणाकुश कहने लगा रे दुष्ट देखूंगा तेरे भगवान को अब तेरे को कौन बचा सकता है इस खम्भ के तेरे को बात भरनी होगी। प्रहलाद खम्भ की ओर देखता है तो उसको कीड़ियां चलती नजर आई उसी भगत प्रहलाद ने खम्भ के बांध भर ली। सजनों उधर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया देखते हैं भक्त प्रहलाद में भीड़ पड़ी हुई है। उधर सजनों हिरणाकुश को भी यह वरदान था कि दिन मरू ना रात भार मरू ना भीतर से अस्त्र से मरू ना शस्त्र से जमीन पे मरू ना आसमान। सजनों भयंकर गर्जना के साथ खंभ फटता है नरसिंह रूप धार करके भगवान विष्णु यानी नरसिंह रूप धार करके भगवान हिरणाकुश को चीर दिया और अपने प्यारे प्रहलाद को बचा लिया। राम भगत की विजय हो गई हिरणाकुश का अंत हो गया। तो बताया हिरणाकुश को मार दिया और भगत की लाज बचाई राम नाम की जड़ी लगा दी रे सबने खुशी मनाई राम नाम की जड़ी लगा दी सबने खुशी मनाई हिरणाकुश को मार दिया और भगत की जान बचाई राम राम की जड़ी लगा दी
राम नाम की जड़ी लगा दी, सबने खुशी मनाई। राम नाम की जड़ी लगा दी, सबने खुशी मनाई। सुख और चैन हुआ नगरी में, आनंद के रंग छाए। प्रहलाद भगत की सुरता देखन सब नर नारी आए। भगत की सुरता देखन सब नर नारी आए। निराकार तुकार तुई, निराकार साकार तुई, भगतों की करे सहाय। राम नाम की जड़ी लगा दी, सबने खुशी मनाई। राम नाम की जड़ी लगा दी, सबने खुशी मनाई। Thank you.
करके घना तनाजा। सारी नगरी खुशी मनावे रे बज रहे गाना बाजा। हाँ सारी नगरी खुशी मनावे बज रहे गाना बाजा। भगती में रस आजा रे नाथू जोड़ कविता गाई। राम नाम की घड़ी लगा दी सबने खुशी मनाई। राम नाम की घड़ी लगा दी सबने खुशी मनाई। राम नाम की घड़ी लगा दी